हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विशाल फर्नीचर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल फर्नीचर में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेड का हाइड्रोलिक कैसे लगाते हैं। दोस्तों मेरे पास 200 केजी का है, यानी कि 200 केजी का है। फुल डिटेल्स बताएंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आप नए कारपेंटर भी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तब भी आँख बंद करके लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी आइकन को भी दबा लीजिए। उससे होगा क्या, जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आपको इसका फिटिंग हम आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, इसके साथ में ही ये आपका नट बोल्ट और इसका जो वार्सल है ये साथ में ही देता है। और इसका जो ये गाइडलाइन दिया है दोस्तों, इसका जो मैनुअल बताया है कि कैसे किया जाता है, हम इसी आधार से लगाएंगे और आपको बताएंगे कि ये जो मार्किंग है किस प्रकार समझा जाता है। और ये परफेक्ट रहता है दोस्तों, कभी भी ये गलत नहीं रहता है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर से डिजाइनिंग करके बनाया जाता है ताकि उसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसमें दिख जाता है 3D में, इसलिए उसी से बनाया जाता है। तो हम इसी से लगा के बताएंगे। अपना जो ये बेड का देखिए, ये क्लैंप है दोस्तों नीचे का, वो 5 फीट का है। यहाँ तक देखेंगे दोस्तों, ये 5 फीट का है। और जो इसका ये पंप है, ये है दोस्तों, देखिए 200 केजी का है। अब चलिए दोस्तों इसको लगा के हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार लगाया जाता है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों अब इसका जो हम ये साइज लिखा हुआ है वो हम आपको बता देते हैं कैसे समझते हैं। नज़दीक से आप तो देखेंगे क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ से इसका जो ये होल है, यानी कि जो सेंटर इसका जो बोल्ट आएगा अपना, वहाँ तक का जो मेजरमेंट बता रहा है ये 200, यानी कि 200 mm बता रहा है, तो आपका ये 8 इंच हुआ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखेंगे, ये छोटा सा निशान मार्किंग किया है और यहाँ तक का ये भी सेंटर स्क्रू तक जा रहा है, तो 85 mm हुआ। तो 85 mm के हिसाब से देखिए क्या कह रहा है कि आपका यहाँ तक है जो 3 इंच 2.5 सूट पे परफेक्ट कर सकते हैं 85 mm जो आपका है, देखिए। तो चलिए अब आपको बेड में दिखाते हैं कितना मार्किंग किए हैं, उसके बाद बताएंगे इसका होल करके करके और कैसे लगाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप जो आपका वो मार्किंग रहता है, नज़दीक से हमको दिखाएंगे, यहाँ से यानी कि बाहर से लेकर यहाँ तक का जो हम किए हैं दोस्तों, ये देखिए 8 इंच मार्किंग कर दिए हैं यहाँ तक। उसके बाद ऐसे में दोस्तों जितना भी आपको वहाँ पर आ रहा है 3 इंच 2.5 सूत यहाँ पर मार्किंग कर दिए हैं, और इस तरफ भी 3 इंच 2.5 सूत मार्किंग कर दिए हैं। और इसमें अगर आपको एक क्लैंप में भी दिखाएंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ से भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ेंगे दोस्तों तो इसका जो होल है ये सेंटर, वहाँ तक चेक करेंगे तो ये देख लीजिए उतना ही बता रहा है दोस्तों, 2.5 सूत परफेक्ट बता रहा है। लेकिन अगर आप आधा सूत लूज करना चाहते हैं नीचे की तरफ से तो कर सकते हैं आप। चलिए इसका होल कर देते हैं दोस्तों। हम दोस्तों इसमें नट बोल्ट ही लगाएंगे, क्योंकि आप स्क्रू लगाने से ये होता है कि। तो दोस्तों अपना जो होल है वो हम 10 mm का कर रहे हैं, यानी कि 10 mm का। इस तरफ भी होल्स इसका कर देते हैं दोस्तों, और उस तरफ भी दोनों तरफ हम सेम टू सेम होल्स कर देंगे दोस्तों। आपका जो दूसरा वाला सिरा है दोस्तों, वहाँ से मेजरमेंट करेंगे दूसरे होल तक, तो इसका जो मेजरमेंट हो मिल जाएगा। दोनों तरफ होल करने के बाद हम आपको इसका फिटिंग फिर बताते हैं। इसका जो होल है हम कर दिए। अब दोस्तों इसका जो बोल्ट है यहाँ पे दिखाएंगे आपको, तो थोड़ा यहाँ पे दिखा दीजिए इस तरफ से। हम दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इसका जो अभी इस पर जो भी विनियर लेमिनेट लगना है, नहीं लगे इस पर विनियर आएगा, हम नहीं लगाए हैं, क्योंकि ये इसलिए लगा दे रहे हैं, पहले इसके ऊपर से हम विनियर लगा देंगे, ये आपका बहुत मजबूत रहेगा। स्क्रू डालने से क्या होता है कि अपना जो ये क्लैंप रहता है, धीरे धीरे जब लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं तो स्क्रू जो रहता है आपका बैंड हो जाता है, टूट जाता है, लेकिन ये टूटेगा नहीं। अब देखिए दोस्तों इसका जो ये है, यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे, मार्किंग करने के बाद इसको भी अंदर फिट कर देंगे और इसको फिक्स कर देंगे एरोलाइट लगा के। और यहाँ पे भी दोस्तों आप दो नट बोल्ट डाल देते हैं ऐसा, तो स्क्रू मारने का आपको उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और लेकिन अगर आपको मजबूती से काम करना है तो यही लगाइए। अब इसका जो है दोस्तों, ये हम आपको राउटर मशीन से करके फिर दिखाएंगे। तो दोस्तों अब इसका जो दूसरे तरफ का हमको जो इसका क्लिप लगाना है वो देखिए हम लगा रहे हैं। इसका जो साइड का जो क्लिप है दोस्तों, ये देख लीजिए, अभी हम आपको दिखा देंगे कि इसका जो राउटर मशीन से आपका जो बोल्ट रहता है उसका मत्था अंदर कैसे बैठाएं दोस्तों। उसके स्टाप पे भी हम अभी इसका करेंगे, तब हम आपको दिखा देंगे।
हम इसका जो एक तरफ से लगा लिए दोस्तों, दूसरे तरफ का आपको दिखा रहे हैं, सेम टू सेम दोनों तरफ से आप लगा सकते हैं। देखिए जो अपना होल किए हैं दोस्तों, उसी में हम इसको टाइट कर देंगे बराबर से। आप इसको दोस्तों स्पैनर से टाइट कर लीजिएगा, हम इसको पकड़ से ही टाइट करेंगे, आपका जो कीला निकालने का रहता है ये देख लीजिए दोस्तों। और हम लोग दो ही लोग थे दोस्तों वीडियो बनाने के टाइम पे, इसलिए कैमरा एक ही जगह पे माउंट करके दिखा रहे हैं और इसके ऊपर से हम आपको बता दे रहे हैं। ये दोनों लगाने के बाद दोस्तों हम आपको दिखाएंगे कि वो उसका जो मत्था है हम लोग कैसे बैठाए हैं। देखिए इसको बराबर से टाइट कर देंगे दोस्तों, इसको अच्छा से टाइट कर दीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि अच्छा से टाइट नहीं रहेगा तो वो लूज रहेगा, फिर आपका जो हाइड्रोलिक है जब बंद करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा आवाज़ आएगा। तो फ्रेंड ये देख लीजिए, इस तरफ का जो ये अपना स्क्रू हम लगाए हैं वो अंदर कर दिए हैं, क्योंकि ये जब विनियर लगाएंगे तो इस पर लगेगा नहीं और इसके अंदर ये पैक हो जाएगा। और इस तरफ भी देखेंगे तो अपना जो ये बोल्ट और उसका जो नट बोल्ट लगाए हैं और ये जो अंदर का आप देख रहे हैं वाटसल है वो भी इसमें फिक्स कर दिए हैं। और इस तरफ से देखेंगे दोस्तों हम इसको बराबर से टाइट कर दिए हैं, ये देख लीजिए ये पीछे का आपका ये वाटसल लगाना बहुत जरूरी है, इसको लगा दी तो इसका जो एक क्लैंप लगाना था लगा दिए। अब चलिए इसका जो इसके ऊपर इसका टॉप फिक्स करना है, इस तरह देख लीजिए इसका जो ये टॉप है ये बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग इसको 200 kg का ही लगा रहे हैं। इसको फिक्स करके इस पे मार्किंग इसका कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं, चलिए आप लगा के दिखाते हैं। उसका टॉप इस पे रखना पड़ेगा उसको, तो हम कैमरे को कहीं माउंट कर देते हैं। तो दोस्तों इसका जो ये क्लिप लगाना था दोनों तरफ से वो हम लोग लगा के कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसका मेजरमेंट जो यहाँ पे ये होल्स है इसका जो टॉप फिक्स करना है, यहाँ पे देखेंगे आप तो ये जो अपना टॉप फिक्स करना है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये मार्किंग यहाँ पे कैसे लगाते हैं दोस्तों परफेक्ट, वो चलिए हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पे इस तरफ हम आपको दिखाएं तो एक मिनट यहाँ पे आ जाइए, तो देखिए ये अपना क्लैंप ये सेट हो गया है और यहाँ से इस तरफ से 3 इंच बाहर है आपका, यहाँ से 3 इंच बाहर है हमारा टॉप। तो क्या करेंगे इस तरफ से 3 इंच बाहर ऐसा टेप पकड़ के, उसके बाद ये जो अपना होल है इसका सेंटर इसका बीचों बीच चेक करेंगे कितना है, उतना साइज का हम होल करेंगे। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे नज़दीक से आके दिखाएंगे हम आपको दोस्तों, आप देख लीजिए ये अगर 3 इंच अपना जो टॉप है यहाँ पे बाहर रहेगा तो हम इसको 3 इंच मार्किंग ऐसे पकड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे ये देख लीजिए कितना रहा, 5 इंच एक सूत आ रहा है यहाँ पे सेंटर, तो 5 इंच एक सूत उस पर मार्किंग करेंगे एक तरफ से। दूसरा जो मार्किंग करेंगे दोस्तों इसको सेंटर से पकड़ के वहाँ तक चेक करेंगे जितना होल आएगा उतने पे लगाएंगे, और यहाँ से थोड़ा सा हम अंदर रखेंगे दोस्तों, यानी कि एक सूत कम रखेंगे तो 4 इंच एक सूत आ रहा है तो हम 4 इंच भी कर सकते हैं, क्योंकि ये खुलने के लिए थोड़ा सा जगह आपको चाहिए। तो ये देखिए 4 इंच पे यहाँ से कर लेंगे, लिख लेते हैं हम, और यहाँ से अपना ये 3 इंच बाहर कर दिए तो ये 5 इंच एक सूत कह रहा है तो 5 इंच एक सूत पे मार्किंग करेंगे। अब देखिए दोस्तों ये है अपना टॉप, इसका मार्किंग करने के लिए हम एक टेबल ले लेते हैं, नहीं तो इसके ऊपर ही उनको गिराना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम के लिए हम रुकते हैं, मार्किंग करने के बाद आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों जो स्क्रू का आपको मत्था बैठाना है उसका जो कब्जा लगाना है, देखिए हम छोटा ट्रिमर मशीन से लगा दे रहे हैं, और इसका मार्किंग इस पर होल करने का वीडियो नहीं दिखाए हैं क्योंकि वो होल्स करना था आपको बताया है, जैसे ही मार्किंग करना था उसी प्रकार से मार्किंग करके इसको लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों इसका जो होल्स हम ये करके उसके बाद इसका नट बोल्ट इसमें बैठा के दिखाएंगे, ये बराबर से हो जाएगा, मैट्रेस में आपका टच नहीं करेगा और मैट्रेस फटने का चांस नहीं रहेगा। अब देख लीजिए बिल्कुल ये देखिए बराबर से हो गया। अब चलिए इसका जो टॉप, तो दोस्तों आप देख लीजिए इसका जो टॉप का स्क्रू कैसे फंसाना है, हम लोगों ने इसके ऊपर से ही लगा दिए हैं,
ऊपर से लगाने के बाद दोस्तों इसका जो पाइप का अपना हाइड्रोलिक होता है वो हम आपको लगा के दिखाते हैं कि किस प्रकार लगाया जाता है। नज़दीक से आपको दिखाएंगे, देख लीजिए। इसका जो पहला स्क्रू है वो हम निकाल लेंगे दोस्तों। इसमें जो चार वार्सल देता है तो दो अंदर रहने देंगे, दो अपना पाइप लगाने के बाद लगा देंगे दोस्तों। ये देखिए, आपका जो ऊपर मोटा वाला सिरा रहता है वो ऊपर कर सकते हैं और नीचे का जो पतला रहता है उसको नीचे कर सकते हैं। आसान भाषा में बताएं तो मतलब कि इसका जो गैस का जो रहता है दोस्तों ऊपर जाएगा, बाकी का जो नीचे का राड बस रहता है वो नीचे कर सकते हैं। ये ऐसे ही रहेगा दोस्तों। बेड का जो हाइड्रोलिक का रहता है वो इसी प्रकार से लगाया जाता है, ये देख लीजिए। अब दोस्तों इसमें लगाने के बाद इसका जो स्क्रू है हम बराबर से टाइट कर देंगे। इसको स्पैनर से भी टाइट कर सकते हैं आप, आपका जो पकड़ है उससे भी टाइट कर सकते हैं दोस्तों। इस तरफ का भी हम लगाएंगे सेम टू सेम, ये देख लीजिए। दोनों तरफ से दोस्तों इसका जो ये पाइप, इसका जो लगाना है दोस्तों हाइड्रोलिक, इसका जो गैस पाइप है वो, उसके बाद दोस्तों इसको हम नीचे रख के दिखाएंगे और फाइनल लग जाने के बाद आपको दिखाएंगे कि ये कैसा वर्क कैसा कर रहा है दोस्तों। और अपना जो बेड का साइज़ है दोस्तों वो 7x7 का मैट्रिक्स साइज़ है, तो उसका जो वेट है बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम 200 kg का डाल रहे हैं। उसके बाद भी कंफर्म नहीं है कि वो उतना पे उसका लोड है जो वो बराबर से रहेगा कि नहीं। अब चलिए दोस्तों इसका जो फिटिंग करना है वो फटाफट कर देते हैं हम। ये देखिए, बराबर से टाइट कर देंगे हम बिल्कुल। दोस्तों स्क्रू जो रहता है आपका जो इसका, वो बराबर से टाइट कर दीजिए, क्योंकि जब बराबर से परफेक्ट टाइट रहेगा तो वो लूज नहीं रहेगा, तो आवाज़ भी नहीं करेगा और कभी भी निकलने का चांस नहीं रहेगा। इस तरफ से भी हम इसको बराबर से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद दोस्तों ऊपर इसका टॉप लगा के ऊपर का भी इसका जो नट बोल्ट है वो भी टाइट कर देंगे हम। ये अपना टाइट हो गया दोस्तों। अब इसका जो ऊपर का टॉप लगाना है दोस्तों वो हम लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों इसका जो टॉप लगाना है इस तरफ से थोड़ा सा हम आगे कर लेंगे। आगे करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर से ही हम इसको थोड़ा सा लेटा देंगे। लेटाने के बाद दोस्तों इसका जो इसका हम लोगों को बोल्ट लगाना है वो हम इसमें लगा देंगे। अब देखिए थोड़ा सा बैंड करेंगे, ये बैंड हो गया दोस्तों। अब इसका जो होल किए हैं दोस्तों वो होल्स में मैच करके लगा देंगे हम इसको, लेकिन आपका जो होल करना है दोस्तों मार्किंग करके पहले ही कर लीजिएगा। इस तरह आप लेटाने के बाद इस पर मार्किंग करेंगे तो परफेक्ट नहीं बताएगा, इसलिए दोस्तों पहले से मार्किंग करके उसका होल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे टाइट कीजिए। यहाँ पे बस टाइट करने के लिए दोस्तों ये सही है, आप उसका होल में बराबर से मैच करके टाइट कर देंगे दोस्तों। ये देखिए सब तरफ से इसका दो है दोस्तों, टाइट कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब दोस्तों इसका जो स्क्रूस है वो हम फटाफट लगा लेते हैं, फिर लगाने के बाद इसको फाइनल आपको दिखाएंगे कि ये कैसा वर्क कर रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और बहुत ईजी है, आप आराम से लगा सकते हैं। अब दोस्तों जो इसका स्क्रू लगाना है दोस्तों वो हम लगा ले रहे हैं। पूरा लगाने के बाद दोस्तों हम इसको बंद करके दिखाएंगे कि ये किस प्रकार काम करता है दोस्तों, और बहुत ही इजी है दोस्तों, आप आराम से लगा सकते हैं। इसका जो मार्किंग है वही मार्किंग मेन है दोस्तों, अगर बराबर से इसका मार्किंग कर लेते हैं और समझ लेते हैं किस प्रकार किया जाता है, तो कभी भी आपको बेड का जो हाइड्रोलिक लगाना है आराम से लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा अगर उसका जो मार्किंग परफेक्ट कर लेते हैं तब। और दोस्तों इसमें लगाने के लिए कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, आप आराम से लगा सकते हैं दोस्तों। चाहे आप पहली बार लगा रहे हैं या फिर चाहे न्यू कारपेंटर हैं, तब भी बिल्कुल आराम से परफेक्ट लगा लेंगे। अब दोस्तों इसका जो स्क्रूस टाइट करना था दोस्तों वो हम टाइट कर दिए हैं। अब इसको हम बंद करके दिखाएँगे दोस्तों, फाइनल सब लोगों को साइड में कर देंगे दोस्तों, उसके बाद हम आपको दिखाएँगे कि ये कैसा काम कर रहा है। तो चलिए इसको हम दिखाते हैं कि ये किस प्रकार काम करता है, और अंदर से जो इसका थोड़ा बहुत डिटेलिंग रहेगा वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए दिखाते हैं अब आपको। दोस्तों हम लोग इसका जो हाइड्रोलिक लगाना था हम लगा दिए,
अब थोड़ा सा हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे, तो देख लीजिए कंप्लीट हो गया। पहले इसको बंद करके दिखा देते हैं, ये देखिए ये बंद हो गया। और बिल्कुल स्मूथ हो रहा है दोस्तों, ये इको कंपनी का है आपको बता देते हैं, और 200 kg का है। अभी इसका जो इसका ऊपर गद्दी लगना है यानी कि जो मैट्रेस लगना है वो नहीं लगा है। अगर मैट्रेस लगने के बाद लगता है कि थोड़ा सा इसको और ज़्यादा चाहिए और कम कर सकते, तो अपना जो वो पाइप है मतलब कि जो हाइड्रोलिक है पंप, उसको चेंज कर सकते हैं उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कम लग रहा है कम लगा सकते हैं। इसका सेटिंग जो है यही रहेगा खाली, उसको पंप अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे कि एक बार रिपीट करके आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे किए। ऊपर का आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हम इसका स्क्रूस मारे हैं आप देखेंगे तो ये इसके अंदर हो गया है, मैट्रिक्स में टच नहीं करेगा। और यहाँ पे भी हम स्क्रू नहीं मारे हैं इसमें, इसमें हम लोग नट बोल्ट लगाए हैं। आप उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए इसके अंदर का हम जो लगाए हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। इसको ओपन करके, ओपन हो गया। और थोड़ा नज़दीक आ जाइए विनय, आप देख लीजिए दोस्तों इसका जो हम ये नट बोल्ट यहाँ पे लगाए हैं तो ये अपना वार्सल के साथ में लगाए हैं, जिससे कि इसका जो मजबूती है थोड़ा सा ज़्यादा रहे। और नीचे की तरफ भी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हम नट बोल्ट ही लगाए हैं। स्क्रू लगाने से क्या होता है दोस्तों कि स्क्रू आप जब लगाते हैं और इतना 200 kg का जब वेट उस पर पड़ता है तो वो टूट जाता है और बाद में उसको रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसी होल में आपको एडजस्टमेंट करना है तो कैसे करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस तरफ भी वही लगाए हैं और यहाँ पर भी देख लीजिए। अभी दोस्तों इसको दो ही हम लगाए हैं और 2-3 लगा देंगे। यहाँ पे जो होल्स दिख रहा है और यहाँ पे भी जो दिख रहा है ये सब लगा देंगे दोस्तों, क्योंकि थोड़ा मजबूती। और ये जो है दोस्तों छोटा छोटा, हाँ नट बोल्ट ये लगाने के बाद अगर आप चाहते हैं तो इसमें स्क्रू अब लगा सकते हैं, जिससे कि इसका जो मजबूती है थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। हम टार्च बार के फ़ोन का इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा दिखे, ये देख लीजिए दोस्तों। और अगर वेट आपका कम हो जा रहा है उसके बाद भी लगाना चाहते हैं तो बीच में भी लगा सकते हैं। अगर ये जो अपना बेड है दोस्तों वो 7x7 का है, यानी कि जो मैट्रेस साइज आएगा वो 7x7 का आएगा। चलिए इसको बंद कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए।